गाजियाबाद के लोनी इलाके में बालू की अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ खनन माफियाओं को किसी का भी डर नहीं है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में जब प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने छापा मारा तो खनन माफियाओं ने उन पर गोली चला दी। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बच गए। जो पाया वो सब आपके सामने है। रात में खनन करना अवैध है, वो खनन करना भी यमुना जी के धार के बीच में नाव लगा करके खनन किया जा रहा है। इसमें पहले भी हमने छापा मारा था और जिलाधिकारी महोदया ने इसको जो अपने खनन अधिकारी उसके खिलाफ शासन को लिखा भी था, लेकिन पता चला है कि खनन अधिकारी जो खनन मंत्री का रिश्तेदार है वो किसी को मानते नहीं है। इसी तरह से यहाँ जो SDM है उनका भी मैंने एक रिकॉर्डिंग मेरे पास आया था कि 2 लाख रुपये लेकर के वो यहाँ की खान को चलवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, जब हम लोग खुद आ गए और उसके बाद जिलाधिकारी ने लिख दिया है तो उसको ना जिलाधिकारी को समझ रहे हैं ना सरकार को समझ रहे हैं, तो सरकार को बदनाम कर कौन रहा है। इस बात के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ अपराधियों का सफाया हुआ है, जो बदमाश थे उस तरह से खनन माफिया, अवैध जो कारोबार करने वाले नशे के माफिया, उनका भी अंत होगा। और यमुना मैया जो यहाँ लोनी मेरी जो विधानसभा है उसको जिस तरह से इन्होंने रात में सोते हुए जगाया है और उनके साथ जिस तरह से ये सिक्का मैं समझता हूँ अत्याचार किया है, इन्हें शराब देंगे और ये बर्बाद हो जाएंगे सब। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से खबर चल रही थी कि बदमाशों की और आपकी मुठभेड़ होने का अंदेशा। मुठभेड़ नहीं है, हम लोग जैसे ही उतरे ऊपर से तो ये जो खनन माफिया हैं ये काफ़ी भीड़ में थे, इन्होंने 3 ट्रैक्टर रास्ते में लगा दिए और हमारी गाड़ियों के सामने खड़े हो गए। तो हम पुलिस वाले जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा घटिए, तो जैसे पुलिस वालों ने हाथ बाहर निकाला तुरंत इन्होंने फायरिंग की। अब वो हवा में डराने के लिए की या मारने के लिए की तो उनकी मनसा क्या होगी, वो तो माफिया जो जिसने गोली चलाई उसको पकड़ लिया गया है। आश्चर्य की बात है अभी पता चला है कि जो माफिया है मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ आ रहा हूँ उसको पूरी लोकेशन मेरी मालूम रही है। कौन ऐसा व्यक्ति मेरे साथ चलता है जो उसका आदमी है, इसकी भी मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि इसकी भी पता होना चाहिए। और यहाँ फिर आकर के अब सब अधिकारी यहाँ हैं। बड़ी बात यह है खनन मंत्री को 9 बजे इंस्पेक्टर ट्रॉनिका सिटी जहाँ जिसके क्षेत्र में आता उन्होंने फ़ोन किया, क्योंकि पुलिस डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व हो सकती ऐसा जानकारी आई है। मैंने फिर कप्तान साहब को कहा कि भाई मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो सुरक्षा का मसला है, फिर उन्होंने पुलिस को यहाँ भेजा है। मतलब 9 बजे फ़ोन किया, मैंने भी 9:30 बजे फ़ोन किया उनसे, तो उन्होंने सुनने में आया लूज टॉक किया खनन अधिकारी ने, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो इतना हौसला बढ़ रहा है और माफियाओं से मिलकर के ये जो चल रहा है ये अपने आप में बहुत गंभीर है। और मेरी विधानसभा में कोई कितना ही ताकतवर हो अगर मेरे अंदर प्राण है तो किसी की औकात नहीं है कि यहाँ इस तरह माफियागिरी कर पाएगा। सर कल रात से जो अवैध खनन का मामला चल रहा है जिसमें विधायक जी ने धरना प्रदर्शन किया है और आज दोपहर तक किया, क्या है पूरा मामला? ये लोनी तहसील के अंतर्गत बदरपुर गांव में विनय कुमार सिंह के नाम से एक पट्टा खनन का 5 वर्षों के लिए आवंटित हुआ है। विगत 1 वर्षों से उसमें खनन हो रहा था। कल माननीय विधायक जी अपने समर्थकों के साथ रात्रि में वहाँ पहुँचे और उन्होंने कुछ अनियमितताएँ पाईं, उसको लेकर उनका विरोध प्रदर्शन वहीं पे रात्रि में चला और सुबह तक इस आश्वासन के साथ स्थगित हुआ कि इस उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उसमें? जो मौके पर पाया गया कि सक्शन पंप लगाया हुआ था जो लीज होल्डर है उसने, और माननीय NGT के आदेशों के क्रम में सक्शन पंप नहीं लगा सकते हैं। पूर्व में इस प्रकार का एक बार उल्लंघन हुआ था तो उस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी। अब चूंकि ये मामला पुनः संज्ञान में आया है तो इस बार और कठोर कार्रवाई की जाएगी और अगर संभव हुआ तो उनका लीज जो है उसको निरस्त करवाया जाएगा। सर किस प्रकार की कार्रवाई, कोई संबंध शुल्क वगैरह कुछ? 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड रहता है और अगर ये हुआ कि चूँकि पुनरावृत्ति हुई है इस जो घटना की, इस उल्लंघन की, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि इनकी लीज निरस्त कर दी जाए।